अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आ गई हूँ दोबारा एक न्यू रेसिपी के साथ। आज मैं बना रही हूँ आलू के सैंडविच, जो बहुत मज़े के बनते हैं। चलिए आए रेसिपी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने 4 अदद आलू लिए बॉयल करे हुए। 1/2 टेबलस्पून मैंने घर का मसाला लिए, 1/2 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिए, 1 टीस्पून मैंने कुटी मिर्चें लिए, 1 टीस्पून मैंने नमक लिए, 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्चें पिसी हुई ली, और ये हरा धनिया पुदीना लिया जो बारीक कटिंग कर लिया मैंने, और ये 2 कप जितना मैंने बेसन लिया है। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने सोडा लिए, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी लिए, 1 टीस्पून मैंने पिसी मिर्चें लिए, 1 टीस्पून मैंने कुटी मिर्चें लिए, 4 अदद मैंने ब्रेड के पीस लिए। चले आए तैयार करते हैं आलू के सैंडविच। ये देखें, अब इसको मैं मैश कर लूँगी आलू को, फिर इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। ये आलू मैंने मैश कर लिए हैं, अब इसमें सारे मसाले मैं ऐड कर दूंगी। और इसी में मैं धनिया पुदीना डाल दूंगी। आप चाहें तो डाल दें, वरना तो नहीं डालें, क्योंकि टेस्ट इसका वैसे ही रहेगा। अब इसे अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूंगी, फिर इसके बाद मैं दिखाऊंगी। ये देखें, सारे मसाले मैंने इसमें मिक्स कर दिए। ये मैंने डो तैयार कर लिए इसका। ये मैंने ब्रेड लिए, अब इसको फिलिंग करेंगे अच्छी तरह। अब इस तरह मैं सब पे लगा दूंगी, इसकी फिलिंग बस फील करनी है इस तरह। फिर इसके बाद मैं दिखाती हूँ। अब इस पे मैं एक और ब्रेड रख दूंगी, फिर इसको कटिंग करके दिखाऊंगी। अभी ये देखें, अब इसकी मैं 4 पीस बना लूंगी। इसी तरह इसके 4 पीस बन गए, और इसी तरह मैं सारे तैयार कर लूंगी। ये देखें, ये तैयार हो गए। अब ये बेसन लिया, अब इसमें मैं सारे मसाले मिक्स कर दूंगी। ये 1 कप पानी लिया है, अब इसको थोड़ा थोड़ा डाल के मैं मिक्स करती रहूंगी। इसके बाद मैं दिखाती हूँ। ये देखें, इसका बैटर तैयार हो गया। इसी तरह मेरे को ना ज़्यादा पतला रखना, ना ज़्यादा ठीक रखना है, इसी तरह रखना है बस। चले आए फ्राई करते हैं। अब ये सैंडविच लिए मैंने, अब इसमें डीप कर दूंगी, और अच्छी तरह ये डीप करना है, इसकी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। अब इसको फ्राई करेंगे। अब इस कढ़ाई में हमारे जितने सैंडविच आ जाएंगे इतने में डाल दूंगी। ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते सैंडविच, आप लोग भी अपने घर में ट्राई ज़रूर करना। ये देखें, हमारे सैंडविच फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकालूंगी, इसी तरह हमें लाइट ब्राउन सा कलर चाहिए। अब इसी तरह सारे फ्राई कर लूंगी मैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग भी जल्दी जल्दी जाएं अपने घरों में ये रेसिपी ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी न्यू रेसिपीज़ आप तक पहुँच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।